Hey guys, welcome back to the channel. आप सबका स्वागत है मेरे YouTube channel Your Tech Consumer में. And guys, मेरा नाम है ऋषभ. Guys, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 गेमिंग कैबिनेट्स के बारे में, जो कि guys आपको 5000 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे. And guys, जो मैंने कैबिनेट्स चूज़ करे हैं वो सारे के सारे मैंने कुछ पैरामीटर्स पर रख के चूज़ करे हैं, जैसे कि उनका डिज़ाइन, उनका एयर फ्लो एंड उनका जो मटेरियल यूज़ हुआ है एंड कुछ अदर पैरामीटर्स भी रखे हैं. तो गाइज़, ये जो है ये पूरी मैंने लिस्ट बनाई है एंड मैं वीडियो में आगे आपके साथ अपनी लिस्ट शेयर करूंगा. वैसे तो काफ़ी सारे कैबिनेट्स आपको 5000 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे, बट आप इन सब कैबिनेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं. एंड गाइज, मैं मेरे चैनल पे पीसी बिल्डिंग रिलेटेड एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट वीडियोज़ बनाता रहता हूँ. तो अगर आपका भी इंटरेस्ट अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पर है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलेंगी. एंड गाइज, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो. तो गाइज, जैसा कि मैंने आपके साथ बोला था कि मैं आपके साथ अपनी लिस्ट शेयर करने वाला हूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, सबसे पहला जो हम कैबिनेट यूज़ करने वाले हैं वो आ रहा है एंड ई स्पोर्ट की तरफ से ICE 200TG. ये इसका मॉडल नंबर है एंड फ्रंट पे यहां पे देख सकते हैं आप, ये इस कैबिनेट की इमेज है. अब अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन ठीक है, हमें सामने की तरफ ये एक RGB स्ट्रिप देखने को मिल जा रही है क्रॉस सेक्शन में एंड पीछे का हमें एक RGB फैन भी देखने को मिल रहा है. साथ ही साथ मैं पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कहूँगा, हल्का हल्का मेश का भी दिया है यहाँ पर, डस्ट फिल्टर टाइप का एक डिज़ाइन एंड लेफ्ट साइड में हमको एक टेम्पर्ड ग्लास का पैनल देखने को मिल जाता है. एंड यहाँ आई थिंक इस साइड से, इस जगह से, यहाँ से इसके जो भी हीट है निकलेगी, फ़ैन की एयर जो निकलेगी वो निकलेगी. एंड टॉप की तरफ देखते हैं, यहाँ पर टॉप की तरफ भी हमको एक डस्ट फिल्टर को देखने मिलता है एंड साथ ही साथ हम इसमें एक 120mm या 240mm के रेडिएटर को भी प्लेस कर सकते हैं, तो जो कि फ्रंट में आई थिंक नहीं प्लेस कर पाएंगे मेरे हिसाब से. एंड यहाँ से देखें तो हमें यहाँ पे एक हेडफोन का जैक देखने को मिलता है, एक माइक का जैक देखने को मिलता है, दो USB पोर्ट 2.0, एक USB 3.0 पोर्ट. साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें भी दी हुई हैं, रीस्टार्ट बटन, पावर बटन एंड यहाँ पे एक LED बटन भी दिया है जिससे हम RGB वगैरह चेंज कर सकते हैं आई थिंक. तो ये सारे यहाँ पे ऊपर फंक्शंस वगैरह दी हैं, बैक साइड पे भी दें तो देखते हैं कि ऐसा लग, देखने में ऐसा लग रहा है बाहर से कि PSU शॉर्ट दिया, बट अभी अंदर से इमेज देखते हैं. हाँ, तो गाइज़ यहाँ पे अच्छी बात मुझे लग रही है कि PSU शॉर्ट वगैरह दिया है एंड पीछे आई थिंक SSDs वगैरह माउंट करने का ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ इमेज दी नहीं है बैक साइड पे, बट मेरे हिसाब से बैक साइड पे SSDs माउंट करने का है. तो ये जो लोग भी काफ़ी 3000 रुपये के अंदर ही बजट कैबिनेट ढूंढ रहे हैं उनके हिसाब से काफ़ी अच्छा कैबिनेट है मेरे हिसाब से. तो ये कैबिनेट भी मेरे को काफ़ी सही लगा इस बजट पॉइंट में एंड मैं सोच रहा था कि एक आप लोगों के लिए 3000 रुपये के अंदर, मतलब जिनका बजट बहुत ही ज़्यादा सुपर टाइट होता है उनके लिए एक 3000 रुपये के अंदर लिस्ट बना दूं, एंड जिनके पास थोड़ा बजट अच्छा खासा होता है या फिर उनको थोड़े हैवी PCs बनाते होते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक 5000 से ऊपर और 10000 के अंदर वाले कैबिनेट की भी लिस्ट बनाऊंगा जल्दी. सोच रहा हूँ भी बना के जल्दी फटाफट डाल ही दूं चैनल पे फटाफट. तो ये कैबिनेट है, आप देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट 2500 से 3000 रुपये के ऊपर है तो आप इसको परचेस वगैरह कर सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है एंड फिर अब हम चलते हैं अगले कैबिनेट. तो अगला कैबिनेट जो है मेरा, हम तो हमारी लिस्ट में वो भी आ रहा है एंड स्पोर्ट ICE 500MT. एंड गाइज, ये मुझे कैबिनेट काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड ये कैबिनेट मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास देखा है, मतलब मैंने इसको बहुत सारे बजट बिल्ड्स में यूज़ होते देखा है एंड इवन काफ़ी लोगों ने तो इसको हाई एंड बिल्ड्स में भी यूज़ करा है. एंड यहाँ पे भी हमको फ्रंट की तरफ 3 फैंस देखने को मिल रहे हैं जो कि शायद ARGB हैं, और आई थिंक मेरे को ARGB ही है. एंड बैक की तरफ ये कि हमको एक RGB फैन देखने को मिलता है, तो फैंस की आपकी जो इच्छा है वो यहाँ फुलफ़िल कर दी है एंटी स्पोर्ट्स ने. एंड यहाँ पे अगर सामने की तरफ देखें तो हमको एक कटआउट के साथ डस्ट फिल्टर देखने को मिल रहा है, तो चलो ठीक है, इतना कूलिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होगा. साइड की तरफ देखें तो हमें शायद फुल टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल रहा है एंड ये अब हम टॉप की, हाँ इधर से देखते हैं टॉप की तरफ, तो टॉप में भी हमको डस्ट फिल्टर देखने को मिल जाता है मैश के साथ, मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर आई थिंक ये नहीं है मेरे को ऐसे देखने में लग रहा है. एंड यहाँ पे भी आप 240mm तक के रेडिएटर वाला AIU लगा सकते हैं. एंड बटन्स की वगैरह बात करें तो यहाँ पे भी सिमिलर बटन दिए हैं हमारे पुराने कैबिनेट की तरह. और अगर डिज़ाइन वगैरह की इसकी बात करते हो, मुझे इसका डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा लगा. आप PSU शॉर्ट में इसमें कटआउट दिख रहा है मुझे, यहाँ पे देखने में ऐसा लग रहा है. एंड नहीं, डस्ट फिल्टर आई थिंक अलग हो जाता है जैसे कि इस पिक्चर में हमें दिख रहा है, तो डस्ट फिल्टर भी आप अलग कर सकते हो, बट मैं वैसे मैग्नेटिक नहीं आई गेस,
तो ये कैबिनेट अगर पीछे से देखें तो पीछे से भी यहाँ पे काफ़ी खासा स्पेस दिख रहा है, एंड यहाँ पे हमें दो SSD माउंट करने के दिख रहे हैं ऑप्शंस, एंड नीचे एक HDD आई थिंक माउंट करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो कैबिनेट भी अगर आपका बजट देखने 4,000-4,500 के आसपास है तो आप ये कैबिनेट कंसिडर करते हो। हाँ, एक कैबिनेट की मुझे जो अच्छी सबसे बात लगी वो ये लगी कि अगर आप एक हाई एंड PC बिल्ड बना रहे हो, अगर आपको वर्टिकल GPU माउंट करने का ऑप्शन देखना है तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल GPU माउंट करने का ये यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि हाँ, इस सस्ते कैबिनेट में भी वर्टिकल GPU माउंट का ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको ये कैबिनेट परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड गाइस, अब अगले कैबिनेट की बात करते हैं। ये थोड़ा स्लीक लुक कह सकते हो, काइंड ऑफ मिनिमलिस्टिक लुक में आ जाता है, कॉर्सेयर कार्बाइड सीरीज का 175R RGB टेम्पर्ड ग्लास के साथ। तो RGB जो इसका केवल ये लोगो है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये जो लोगो यहाँ दिया है यही केवल RGB सपोर्ट करता है। तो इतना मैं कुछ मतलब ज़्यादा प्रभावी नहीं हूँ इस कैबिनेट से। एंड गाइस, हाँ, यहाँ प्राइस थोड़े ज़्यादा दिए हैं। वैसे जनरली आपको ये हमारे स्टोर वगैरह पे एंड किसी अदर जगह पे भी 4,000-4,500 के बीच आसपास मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसके प्राइस ज़्यादा दिए हैं। तो अब मैं तो यही बोलूँगा कि आप यहाँ से परचेस मत ही करना है अमेज़न से भी इसको, या फिर जब प्राइस डाउन हो तब आप अमेज़न से परचेस करना। एंड अगर इसके अदर फीचर्स की वगैरह बात करें तो वैसे ही सेम हमें डस्ट फिल्टर ऊपर देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे हमें टॉप पे बटन्स वगैरह कम देखने को मिल रहे हैं। केवल 2 USB पोर्ट है, एक सिंगल पोर्ट दे रखा है। आई थिंक ये NZXT के मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन को कॉपी करने की कोशिश है काइंड ऑफ, एंड एक ही रीस्टार्ट बटन वगैरह दे रखा है। अगर साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें साइड में टेम्पर्ड ग्लास है विद आई थिंक फुल टेम्पर्ड ग्लास है। हाँ, यहाँ पे फुल टेम्पर्ड ग्लास वगैरह दिया हुआ है इन्होंने। एंड अगर हम इसके बात करें बैक की, एक मिनट, और इमेजेस में यहाँ बैक वगैरह तो मुझे दिख नहीं रही है, तो मैं ज़्यादा उस बार कैबिनेट पर मैं कह सकता नहीं। बट यार, चक्कर यह है कि ये कॉर्सेयर जैसे ब्रांड के साथ आता है, एंड कॉर्सेयर काफ़ी बड़ा ब्रांड है। इवन मैं भी कॉर्सेयर का काफ़ी पुराना, मतलब मेरे पास काफ़ी पुराना PC, तो मैं भी काफ़ी कॉर्सेयर का पुराना कैबिनेट यूज़ कर रहा हूँ, एंड वो काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल है। तो यहाँ मटेरियल वगैरह जो देखने को मिलेगा हमको, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, आप मटेरियल की चिंता नहीं कर सकते। इवन आप कह सकते हो कि हाँ, मेरे पास एक ब्रांडेड कैबिनेट है जो कि काफ़ी अच्छी स्टडी लुक के साथ है। एंड आई थिंक यहाँ पे आप फ्रंट में भी शायद AIO माउंट कर सकते हो, बट मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा, आप ऊपर ही माउंट करो, वो अच्छा है। तो देख लो, अगर आपको ये कैबिनेट अच्छा लगता है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइस, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कैबिनेट की तरफ। तो फिलहाल तो ये अमेज़न पे अनअवेलेबल दिखा रहा है, बट इसको आप हमारे स्टोर वगैरह से परचेस कर सकते हो, या फिर आप किसी अदर वेबसाइट से परचेस करते हो, या इवन अपने लोकल शॉप से परचेस कर सकते हो। तो इस कैबिनेट को रखने की मेरे पीछे वजह ये थी कि ये कैबिनेट का थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है, बाकी सब में अगर हम देखेंगे तो हमको ये मतलब प्लेन सिंपल लुक देखने को मिल रहा है, प्लेन लुक है, बट इसमें थोड़ा सा डेंट्स टाइप सब कह सकते हैं, कर्व्स देखने को मिल रहे हैं हमको। तो कर्व्स देखने को मिल रहे हैं विद मेश डस्ट फिल्टर, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। एंड यहाँ पे हमें 3 फैन देखने को मिल रहे हैं। एंड कहते बता दूँ, ये जो कैबिनेट है वो 2 मॉडल में आता है, एक इसका 100M है, एक 100R, तो उसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगा आपसे। पहले बात कर लेते कैबिनेट डिज़ाइन। तो गाइज, यहाँ पे हमको हाफ टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल रहा है, शाउड पे ही यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास का बंद हो जा रहा है। एंड गाइज, अगर मैं इसके बैक की बात, तो बैक की तो चलिए फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह आप अगर देख सकते हैं, तो डिज़ाइन जो है थोड़ा सा यूनिक वगैरह देखने को मिल रहा है। एंड ये भी यार एक MSI जैसे वेल नोन ब्रांड के साथ आ रहा है, तो MSI भी काफ़ी अच्छा वगैरह ब्रांड है, मैं काफ़ी कुछ इसके कॉम्पोनेंट्स वगैरह यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पे एक मुझे ड्रॉबैक पता चला इस कैबिनेट के बारे में कि यहाँ पे कोई हिंज नहीं दी है जिसमें आप ये टेम्पर्ड ग्लास वगैरह फंसा सकते हो। तो अगर आप ये कैबिनेट वगैरह ले रहे हो तो इसके लिए आपको एक बंदे के या फिर आपको उसको पकड़ के ही रखना पड़ेगा, तब स्क्रू आपको फंसाने पड़ेंगे या कसने पड़ेंगे, एक 2 स्क्रू तभी यह फिक्स होगा, एंड देन आपको बाकी के 2 स्क्रू लगा फिक्स करना। मतलब ऐसा कोई हिंज नहीं, जैसे बाकी सारे कैबिनेट्स में दिया होता है कि हिंज होती है तो आप अटका सकते हो, ईजिली एक मतलब आराम से स्क्रूज वगैरह फिट कर सकते हो। तो इसमें आपको ग्लास वगैरह से थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा। तो बात करते हैं इसके जो अगला है, मैं बात करता हूँ इसके 100R की। इसी पे यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि फ़र्क इतना है, ये आप जैसे देख पा रहे हैं 100M है एंड ये 100R है। यहाँ पे आपको फुल ARGB एड्रेसेबल RGB वाले फैंस देखने को मिलते हैं, जिसको आप पूरी तरीके से कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होगे एड्रेसेबल RGB फैन मिलते हैं, तो यहाँ पे केवल हमें RGB फैन। इस दोनों ब्रांड मॉडल में इतना अंतर है, एंड प्राइस में आई थिंक ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अगर आपको ये कैबिनेट पसंद आता है तो आप ही चेकआउट कर सकते हो, एंड काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ भी कह सकते हो, मिनिमलिस्टिक थोड़ा सा कह सकते हैं, बट हाँ ये काफ़ी कुछ NZXT जैसा है। तो गेमिंग कैबिनेट के हिसाब से काफ़ी ठीक लगा मुझे।
एंड जो हमारा अगला कैबिनेट है गाइज वो है डीप पूल की तरफ आने वाला मैट्रिक्स 55 मैश एड एड्रेसल आरजीबी 4F। तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नाम है इस कैबिनेट का। एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट की। तो गाइज फ्रंट में हमें एक बड़ा सा मैच टेस्ट फिल्टर देखने को मिलता है विद 3 ARGB फैंस। तो गाइज एड्रेसेबल आरजीबी फैंस हैं एंड इसके बैक में भी एक आरजीबी फैन दिया एड्रेसेबल, इसको आप इजीली कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। एंड फ्रंट में ही हमको इसके सारे इनपुट स्लॉट्स वगैरह एंड बटन्स वगैरह दिए हैं। तो मेरे को डिज़ाइन काफ़ी सही लगा है आगे से एंड काफ़ी बड़ा डस्ट फिल्टर लगा है जिससे मतलब एयर इनटेक वगैरह और एक्सेल वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर इसके हम साइड की बात करें तो साइड में भी हमको एक पीसी शॉट में कटआउट वगैरह देखने को मिल रहा है। अगर आप इस चीज़ से मतलब ओके हो तो ले सकते हो, काफ़ी सही है। मतलब यहाँ पे आपका PSU के ब्रांड वगैरह दिखेगा और काफ़ी लोग दिखाना चाहते हैं काफ़ी लोग नहीं, तो डजेंट मैटर, मेरे हिसाब से इतना मैटर वगैरह करता नहीं है। बट फिर भी ठीक है, इन्होंने डिज़ाइन वगैरह दिया अपना। एंड अगर बैक की बात करें तो बैक भी इसका ठीक ठाक है। यहाँ पे वर्टिकल GPU माउंट देखने को हमें शायद नहीं मिल रहा है, यहाँ पे वर्टिकल GPU माउंट सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो आप इस पर फिलहाल तो इसको वर्टिकली यहाँ पे GPU अपना माउंट नहीं कर सकते हो। एंड गाइज ये प्राइस जो है थोड़ा 5000 से थोड़ा सा ऊपर है, तो अगर आप थोड़ा सा और 5000 से ऊपर बैरी कर सकते हो तो इसको आप जो है अपना कंसिडर कर सकते हो इस कैबिनेट को। सो आई होप गाइज आपने ये लिस्ट को देखा होगा एंड आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा कि आपको कौन सा कैबिनेट खरीदना है। एंड गाइज अगर आपको इनमें से कोई भी कैबिनेट खरीदना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजन एंड अमार स्टोर दोनों का लिंक दे दिया है। आप इन दोनों जगह में जाके कहीं से भी परचेस कर सकते हैं जहाँ से आपको ठीक लगे। आप अगर कहीं से भी परचेस करेंगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा गाइज। एंड गाइज अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइज आप मुझे बताओ कि आप कौन सा कैबिनेट अभी यूज़ कर रहे हो, प्लस या अगर आपको कैबिनेट लेना है तो आप कौन सा कैबिनेट लेना चाहते हो, तो ये जो सारी बातें आप मुझे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। सारे के सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ, उनके रिप्लाई करता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी द नेक्स्ट फ्रेंड। टिल देन पीस।